Hello guys, welcome back to a brand new video. Here we have the Redmi Note 7 Pro with us. So this is a new mobile in the market. This is the flagship mobile of the Redmi Note. So let's get started with the unboxing. Actually, it's already unboxed and here we have the box already open. So actually the mobile was placed inside this box before और इसके अंदर चार्जर है और वो जो मोबाइल का सिम कार्ड निकालने के लिए जो रहता है ना सिम कार्ड पिन वो रहेगा बस ये देखिए अंदर. सो आई एम गोइंग टू क्विकली टेल यू अबाउट द फीचर्स ऑफ दिस मोबाइल. तो काफ़ी अच्छा मोबाइल है. देर इज़ अबाउट 120 GB इंटरनल स्टोरेज इन दिस मोबाइल. देर इज़ अ 48 MP कैमरा दैट इज़ रियली माइंड ब्लोइंग. सो 48 MP कैमरा के साथ इसमें 5 MP का भी कैमरा है. इट इज़ अ ड्यूअल रे कैमरा एज यू कैन सी ओवर हियर. As you can see, the finishing of this mobile is really fantastic. I really like the design of this mobile. It is really very nice. This guy, jo shiny finish diya hai, wo sach mein lajawab hai. So in the end of the video, I'll show you some additional clips that will give you an idea about kaisa clips aata hai, kaisa clarity hai. अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अच्छा clarity है वगैरह, आपको समझ में नहीं आएगा. If you see the clips, you will come to know actually कैसा है. इसका zoom कुछ 10x zoom दिया गया है, काफ़ी अच्छा है. सो देर इज़ ऑल्सो 6.3 inches डिस्प्ले इज़ क्वाइट बिग. सो कंपेयरिंग टू द S7 मेरे पास अभी जो फिलहाल जो मोबाइल यूज़ करता है द डिस्प्ले एंड द मोबाइल फील इन द हैंड इज़ क्वाइट बिग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. एक्चुअली मैं मोबाइल आपको एक्चुअली यूज़ करके दिखाऊंगा. लेट्स सी व्हाट वी गेट टू सी इनसाइड. वी विल गो टू द सेटिंग्स राइट नाउ. सो बिफोर शोइंग यू द मोबाइल आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू द बॉक्स वेरी क्विकली. What is mentioned and all that stuff. So here we have the Redmi Note 7 Pro. Mention it's a 48 MP camera. Here you can see it's made by Xiaomi and this is India's number one smartphone brand. So here there are some more specifications of the mobile like the 48 plus 5 MP all dual rear camera, Qualcomm 675. Then there is a 6.3 Full HD notch display. And there's a 4000 mAh that will last for more than one day. It's really amazing for a price of 17,000. So we got this mobile from a retail store for about 17,500 rupees. So just mention what you think about the box. It is a decent design. So here we have the mobile with us, the Redmi Note 7 Pro. I hope I'm saying it right. Anyways, so here's the mobile. It has a very nice display. As you can see, it is very shiny display. Here I'm unlocking the device. Here you can see, like most of the time I'm unlocking the device, there's a new wallpaper on the screen. All the wallpapers are really fantastic to see. I'm really amazed to see. See, one more new wallpaper. So let's unlock it and see what else is there inside. So we'll just go to the settings. सेटिंग्स में जाते हैं. सो अबाउट फोन डिवाइस नेम Redmi Note 7 Pro. कैन सी ऑल द फीचर्स वन बाय वन. ऑक्टा कोर मैक्स 2.02 Hz GHz. रैम इज 6 GB. देयर इज़ अबाउट 128 GB इंटरनल स्टोरेज. उसमें से 112 ही यूज़ करने मिल रहा है. दिस इज़ अ ब्रांड न्यू मोबाइल जस्ट अनबॉक्स. आगे चल के ये स्पेस और भी कम होएगा. 112 के बदले अराउंड 80 GB तक यूज़ करने मिलेगा शायद. देखते हैं आगे चल के क्या होता है. सो इसके अंदर देखते हैं कौन सा है. एंड्रॉयड वर्जन देखते हैं. सो इट इज़ एंड्रॉयड पाई वर्जन. सो हियर यू कैन सी वाव what an amazing colorful display. Android Pie बहुत amazing है. सो ब्रोस नाउ आई एम गोइंग टू गो बैक एंड आई एम गोइंग टू शो यू कि कैमरा का UI कैसा है इसमें. सो ये रहा कैमरा. ये कैन सी कि जो आईफोन 6 में जो कैमरा लेआउट है वैसा ही फॉर्मेट का है. यू हैव टू स्क्रॉल और लेफ्ट एंड राइट एंड यू कैन सी अकॉर्डिंगली कि कौन सा है आपका सेटिंग. सो नाउ करेंटली दर इज़ पोर्ट्रेट मोड, फोटो मोड, वीडियो मोड, शॉर्ट वीडियो मोड. आई डोंट नो व्हाट इज शॉर्ट वीडियो मोड बट लेट्स सी. नाइट मोड भी है. सो मे बी दिस इज समथिंग इन द नाइट टाइम फोटो निकालने का है फॉर मोर ब्राइटर इमेज. स्क्वायर पैरानोमा मोड.
पैरानोमा सबको पता है, प्रो मोड वाह, इसमें थोड़ा सेटिंग्स हम लोग खुद के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो देर आर सम टू सेटिंग्स दैट वी आर नॉट श्योर अबाउट, लाइक स्क्वेयर एंड शॉर्ट वीडियो मोड। सो एक्चुअली नाउ वी आर ट्राइंग टू जूम इन एंड शो यू कि कितना जूम हो सकता है। सो करेंटली मैं आपको दिखाता हूँ, एक्चुअली एक सेकेंड ये ब्राइटनेस का लफड़ा हो गया, डैम इट। सो गाइज आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग सम रैंडम क्लिप्स जस्ट टू शो यू कि कैसा कैमरा क्लैरिटी है। सो दिस इज द फ्रंट फेसिंग कैमरा, यू कैन सी द इमेज इज अ बिट जूम्ड कम्पेयर टू माई S7। S7 में थोड़ा वाइड एंगल लेंस है। एनीवेज आई एम गोइंग टू शो यू द जूम क्वालिटी। द क्वालिटी ऑफ द कैमरा इज क्वाइट गुड, एज यू कैन सी थोड़ा सैचुरेटेड इमेज है मेरे ख्याल से, एंड द शार्पनेस इज ऑल्सो क्वाइट गुड। आई कैन सी द रिंकल्स ऑन माई फोरहेड। The stabilization, there is some software stabilization going on. We'll just run and show you. I'll just run and show you. Thoda fast. So stabilization is okay. Now I'm just going to show you by zooming in kitna zoom hota hai exactly. So this is the rear facing camera. As you can see, video mode में है और देखते हैं कितना zoom hota hai ये अभी जो उधर फूल है काफी दूर है. So I'm just pinching in and zooming in. I don't know, for some reason I'm feeling there's some camera lag or something like that, and you can see that stabilization in this camera is not that much, but there is quite a lot of zoom. For photo mode ke liye decent hona chahiye ye. So now this is like 4x zoom. I'll zoom in little more and let's see. I'll also show you some photographs that have been taken in the similar zoom setting. To video mode mein iska stabilization aap dekh sakte hain, it is a bit kamzor. So now it is 8x zoom and now it is going to be 8x zoom से ऊपर जा रहा नहीं वीडियो मोड में. सो वीडियो मोड में इसका जूम आप देख सकते हो कैसा है, यू कैन नॉट सी द फ्लावर्स एक्चुअली. सो द वर्डिक्ट ऑफ दिस मोबाइल इज दैट एक्चुअली मेरा दोस्त वापर रहा था ये मोबाइल. सो देयर वर सम टाइम्स वी फाउंड दैट देयर वाज अ बिट ऑफ स्टटर व्हाइल यूजिंग द कैमरा एंड लाइक व्हाइल नेविगेटिंग. वी फाउंड सम टाइम्स देयर वर अ बिट ऑफ स्टटर. आई एम नॉट श्योर वेदर द मोबाइल डिवाइस वॉज नॉट अपडेटेड. द मोबाइल डिवाइस वॉज नॉट अपडेटेड. आई डोंट नो आफ्टर अपडेट वेदर दिस इशू इज गोइंग टू गेट रिजॉल्व, बट there was a, like that is also only thing I noticed bad about the mobile. Rest everything was very nice. There was very good expandable storage, 256 GB expandable storage. Internal storage also is very good. The RAM and the processor was decent, 675 processor, and display bhi kafi bada tha. So that's all for the video. I enjoyed making this video for you guys. In case do let your thoughts come in the comment section. Anyway, see you in the next video. Peace out, take care. I hope you have a great day. Bye. Bye.